जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के तत्वावधान में 9, 10 एवं 11 नवंबर को तुच्छ प्रकृति के आपराधिक वादों हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, तो वहीं 12 नवंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायिक भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई, जिसमें समनीयवाद, स्टाम्पवाद, राजस्ववाद, बैंक ऋण वसूलीवाद, भूमि अधिग्रहणवाद, उपभोक्ता फोरमवाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, बिजली चोरी वाद सहित कई विभागों से संबंधित वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी शीलेंद्र कुमार सिंह और जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार भी पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी और जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले वाद कार्यों से वार्तालाप भी की। राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार दीक्षित ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से हम लोग लगाते हैं। यहाँ हमारे आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर अजय कुमार, उनके निर्देशन में इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में वादकारियों ने यहाँ आकर न सिर्फ अपने वादों का निस्तारण करा रहे हैं बल्कि अपना हेल्थ चेकअप भी करा रहे हैं, तो काफी संख्या में भीड़ है। उद्देश्य इसका यही रहता है, वह मुकदमे जो लंबी विचाराधीन प्रक्रिया का सामना कर चुके हैं, वह एक मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं और वह एक मुकदमे जो कोर्ट में आने से पहले उनका भी मिटिशन के जरिए निस्तारण हो जाए, उन्हें समाप्त करा दिया जाए। इसलिए इन्हीं सारे मुकदमों में आपसी सुलह समझौते के माध्यम से इन मुकदमों को समाप्त करने का माध्यम है लोक अदालत। ये देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से हम लोग लगाते हैं। यहाँ आदरणीय हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर अजय कुमार, उनके निर्देशानुसार इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और आपने विजिट भी किया होगा, उधर जिधर कैंप हैं तो भारी संख्या में लोगों ने, वादकारियों ने आकर न सिर्फ अपने वादों का निस्तारण करा रहे हैं, बैंक के अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनका निस्तारण करा रहे हैं बल्कि अपना हेल्थ चेकअप भी करा रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में भीड़ है। उद्देश्य इसका यही रहता है कि जो मुकदमे एक लंबी विचाराधीन प्रक्रिया का सामना कर चुके हैं, या एक वो मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं, एक वो मुकदमे जो कोर्ट में आने से पहले, उनका भी मीडिएशन के थ्रू हल हो जाएँ, समाप्त कर दिए जाएँ, तो इन्हीं सारे मुकदमों में आपसी सुलह समझौते से इन मुकदमों को समाप्त करने का माध्यम है लोक अदालत। लगभग शाम तक कितनी उम्मीद है कि लगभग कितने केसों का आज निस्तारण किया होगा? देखिए, पिछली बार की बात करें 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई थी और उसमें हमारे यहाँ 55,000 कुछ केस निस्तारित हुए थे। इस बार निसंदेह उससे ज़्यादा फिगर रहेगी और हमारा लक्ष्य है कि हम अराउंड 60,000 इस बार केसेस का डिस्पोजल करें, तो मुझे पूरी आशा है कि इतना हम लोग पहुँचेंगे। इस जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि जब भी इस तरह के आयोजन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत हो, विशेष लोक अदालतों का आयोजन हो, इसके महत्व को समझें, बेवजह की मुकदमेबाजी से दूर रहें। और क्योंकि छोटे छोटे मुकदमे जो कोर्ट में आ जाते हैं उनकी वजह से बड़े मुकदमों पर काफ़ी असर पड़ता है, उनमें तारीख लगनी शुरू हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि इन छोटे मुकदमों की वजह से पेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे मुकदमे जो आपस में सुलह समझौते समाप्त हो जाएं, उनको ऐसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए ये माध्यम है राष्ट्रीय लोक अदालत,